अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट विल फॉर्म, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर यहां से H प्लस प्रोटोनेशन करना है। प्रोटोनेशन करने के बाद यहां पर जो है कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है, कार्बोकेटाइन जो बना है, तो सबसे पहला नंबर हम जानते हैं कि कार्बोकेटाइन जब भी बनता है तो उसमें रीअरेंजमेंट होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बना है बच्चों, वो है 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन। अगर ये रेजोनेंस करके इधर आता है, तो फाइनली जो है ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पर पहुंच जाएगा और कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री वाला बन गया। तो 1 डिग्री वाले को भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रहा था और 2 डिग्री वाले को भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रहा है। 2 डिग्री वाला रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, समझ गए बात को। और उसमें भी देखिए हीटिंग किया हुआ है ना, हीटिंग हमेशा बेस के प्रेजेंस में होता है, दे या नहीं दे हमें मानना है। तो यहां से देखिए इस प्रकार से जब आप हीटिंग करोगे तो ये अल्फा पोजिशन, ये बीटा पोजिशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। तो इस प्रकार से देखिए आपको जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट विल फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट मिला है, क्या इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, तो ये स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट है। अंडरस्टैंड? अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में बात करें, सबसे पहला नंबर क्या होगा, वही प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन के बाद जो है यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ना है और कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना लेना है। जहां पर कार्बोकेटाइन बना हुआ अल्फा पोजिशन, यहाँ पर बीटा पोजिशन, समझ में आ रहा है क्या? बीटा इधर भी है, ठीक है, तो बीटा इधर भी है और बीटा इधर भी है। तो इधर अगर अल्कीन हम बनाते हैं तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और इधर करते हैं तो हाइपर कंजुगेशन होगा। जो अल्कीन बनेगा उसको हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी मिलेगी, और हमें पता है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट जो है ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट जो है बच्चों ये भी बन सकता है, नहीं बनेगा, ये माइनर होगा और ये मेजर होगा, ठीक है। और हमें मेजर प्रोडक्ट को ही कंसीडर करना होता है, चाहे बोले या नहीं बोले। तो यहां जो प्रोडक्ट मिला ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। उसी प्रकार से आप यहां से OH को निकालिए, यहां पर कार्बोकेटाइन बनाइए। तो जब आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो ये अल्फा पोजिशन, ये बीटा पोजिशन, बीटा ये भी है। उसी प्रकार से जो अल्कीन बनेगा वो आपको 2 अल्कीन बनता हुआ दिख रहा होगा, एक तो यहां पर भी बन सकता है और एक यहां भी बन सकता है। तो इधर वाला जो है इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है, तो जो रेजोनेंस कर सकता है वही अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और वैसे भी देखिए, वैसे भी हम लोग जो है, नहीं कहने का मतलब कि ये भी अल्कीन और ये भी अल्कीन है, ठीक है। तो इस अल्कीन को यहाँ इस बेंजीन रिंग के द्वारा रेजोनेंस का स्टेबिलिटी मिल रहा है, और इधर जो अल्कीन है वहां पर केवल हाइपर कंजुगेशन ही होगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? रेजोनेंस स्टेबल वाला प्रोडक्ट होगा, समझ गए बात को। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें भी जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा विद चेंज ऑफ कार्बन, चेंज इन कार्बन स्केलेटन। देखिए कार्बन स्केलेटन चेंज करने का मतलब है कि आपका पेरेंट चेन जो है बदल जाना चाहिए। देखिए चलिए ऑप्शन नंबर बी में बात करते हैं। यहां पर कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री है क्या? हमें पता है कि अगर ये हाइड्रोजन, मतलब ये कार्बोकेटाइन यहां पर आ जाए, इस वाले पोजीशन पर आ जाए, तो ये 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो 2 डिग्री का जब कार्बोकेटाइन बनाएगा तो देखिए CH3 है ना, CH पॉजिटिव और यहां पर भी CH3, स्टेबिलिटी भी बढ़ गई, रीअरेंजमेंट भी हो गया, लेकिन पेरेंट चेन अभी भी 3 कार्बन का है, अभी 3 कार्बन का है, तो वही का वही रह गया। तो कहने का मतलब है कि कार्बन स्केलेटन जो है चेंज नहीं हुआ, बोले तो पेरेंट चेन नहीं चेंज हुआ। कहता है वैसा ऑप्शन बताओ जिसमें जो है पेरेंट चेन ही बदल जाता। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, और अगर यहां से इस मिथाइल को यहां पर उठाकर ला दिया जाए, है ना, यहां पर अगर 1,2-methyl shift लगाएं, तो 1,2-methyl shift लगाएंगे तो कार्बोकेटाइन यहां पर बनेगा, और कार्बोकेटाइन उस समय जो है 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन कौन नहीं बनाना चाहेगा,
समझ गए बात को। तो यहां से देखिए CH3 CH2 और फिर इधर CH3 चला गया है ना, और यहां पर CH3 और यहां पर कार्बोकेटायन। भाई कार्बोकेटायन में देखिए स्टेबिलिटी बढ़ा तो जरूर, लेकिन पेरेंट चेन बदल गया। कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी बढ़ा लेकिन पेरेंट चेन बदल गया। तो कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिएजमेंट टेक्स प्लेस विद चेंज इन कार्बन स्केलेटन। रिएजमेंट हो और कार्बन स्केलेटन बदल जाए, पेरेंट चेन ही बदल जाए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए मान लिया ऑप्शन नंबर सी में देख ले, ये 1 डिग्री का कार्बोकेटायन है। ठीक है, तो कार्बोकेटायन यहां पर आएगा 2 डिग्री का कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी बदला लेकिन पेरेंट चेन अभी भी वही है। ये कार्बोकेटायन बाद में यहां पर भी आ जाएगा 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बनाने के लिए, लेकिन पेरेंट चेन अभी भी वही है। अंडरस्टैंड। फिर इसमें देखिए, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये ऑलरेडी 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बना के सुखी है ना। अगर आपने इसके साथ जबरदस्ती किया तो 1 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी, और स्टेबिलिटी घटाकर कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अपने आप को दूसरे फॉर्म में नहीं बदलता, स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में बच्चों यहां पर देखिए 2 डिग्री का अल्कोहल दिया हुआ है, H3PO4 है, तो आपको पता है कि H3PO4 जो H+ और H2PO4-, ठीक है, तो ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद OH2+ बनाएगा, और OH2+ बना के ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पर आएगा कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बोकेटायन बनेगा, यहां पर 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बना है, तो ये मिथाइल भी शिफ्ट होगा, और मिथाइल शिफ्ट होने के बाद जो है, ठीक है, मिथाइल अगर यहां से 1-2 मिथाइल शिफ्ट आप करवा देते हो, ठीक, तो फाइनली देखिए ये यहां पर कुछ इस तरह से ऐसा यहां पर कार्बोकेटायन बन जाएगा। ठीक है, और ये इधर है ही, और ये ऐसा बन जाएगा। तो देखिए 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बना है, और फिर बेस के प्रेजेंस में जब हम हीटिंग करेंगे तो देखिए अल्फा पोजिशन, ये बीटा पोजिशन, तो दो प्रकार के, बीटा इधर भी हो सकता है, बीटा इधर भी हो सकता है, तो दो प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे और दोनों दिया हुआ है। मेजर लेकिन ये होगा, सेट जब मेजर होता है E1 में, मोस्ट क्राउडेड अल्किन विल बी मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सेट जब। अंडरस्टैंड। अब देखिए, तो कहता है कि ये जो रिएक्शन हुआ है बताइए इसके हिसाब से कौन कौन सा सही है, ढूंढते हैं। कहता है कि डिहाइड्रेशन हुआ है, बिल्कुल हुआ था। E2 मैकेनिज्म हुआ है, गलत। E1 मैकेनिज्म होता है अल्कोहल में, E1 मैकेनिज्म होता है, क्यों कार्बोकेटायन बना था, E1 मैकेनिज्म हुआ है, कार्बोकेटायन बना था, समझ गए बात को। कार्बन स्केलेटन माइग्रेट, बिल्कुल कार्बन स्केलेटन माइग्रेट हुआ था भाई, कार्बन जो यहां से चेंज हुआ ना, ठीक है, तो ये भी सही है। कहता है मोस्ट स्टेबल अल्किन विल फॉर्म, तो मोस्ट स्टेबल अल्किन फॉर्म होगा ही होगा भाई। देखिए यहां पर क्या है, कौन सा मेजर होगा कैसे पता करेंगे, तो देखिए ये अल्किन है, तो ये अल्किन के पास जो है अल्फाइज कितना है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, और इस अल्किन के पास अल्फाइज कितना है, देखिए 3 यहां पर और 1 यहां पर, 3 यहां पर, 1 यहां पर, 3 यहां पर, 1 यहां पर, 4। तो चूंकि ये वाला अल्किन ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए तो शेरजेब ने कहा कि क्राउडेड अल्किन जो है ज्यादा स्टेबल हुआ। अंडरस्टैंड। तो अल्किन की स्टेबिलिटी के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं। फिर कहता है सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं, E1 रिएक्शन जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, और दूसरे स्टेप में क्या होता है, बीटा पोजिशन से हाइड्रोजन निकलता है, जो कि फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो 1, 3, 4 देखिए डी आंसर होगा इसका। ठीक है।